सब्सक्राइब कीजिए हाईटेक किसान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्रीकल्चर ऑफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील तिवारी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस हाईटेक किसान परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं हर संडे को आस्क मी सीरीज नाम से एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपके एक हफ्ते के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जवाब मैं संडे को आप लोगों को देता हूँ कमेंट्स के। उसमें से जो भी नॉलेजबल कमेंट होता है, जो मुझे लगता है किसान बार बार क्वेश्चन कर रहा है, उस क्वेश्चन को मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और उसी सीरीज़ का आज ये अगला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ एक अपडेट भी देना था कि जिस भी भाई बंधु को ट्रेनिंग के लिए आना है, वो हमारा जो नेक्स्ट बैच है 15 फरवरी को है, जो कि पेड ट्रेनिंग के माध्यम से दी जा रही है, वो लोग अपना व्हाट्सएप के माध्यम से हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कॉल करके, आप लोगों को नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो हमारी ट्रेनिंग 15 फरवरी को है और ट्रेनिंग को लेकर ये अपडेट थी। बाकी अब हम आप लोगों का सवाल जो आप लोगों ने एक हफ्ते में पूछा है उस पर हम आपको जवाब देना चाहते हैं। और उस कड़ी में पहला सवाल पूछा है श्री प्रदीप प्रसाद जी ने, सर मेरे पास 20,000 स्क्वायर फीट का तालाब है, उनमें कौन सी मछली डालूं और किस साइज़ की डालूं कि वो 4 महीने में 1.5 kg प्लस हो जाए। तो प्रदीप प्रसाद जी, जैसा कि आप लोग इस तरह के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हैं या दिग्भ्रमित हैं, या आपको यूट्यूब पर जो फर्जी बातें प्रमोट की जाती हैं उसके इम्पैक्ट में आके आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जहाँ तक मेरा 7 साल का तजुर्बा है फिश फार्मिंग कल्चर में और हमारे जो सर्कल रेट में हैं और भी मित्र यार हैं, इस तरह से आज तक तो हमने नहीं देखा है कि 4 महीने में कोई भी मछली ऐसी हो कि जो 1.5 kg प्लस हो जाए। थोड़ा सा हाइब्रिड मागुर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा हाइब्रिड मागुर भी 1.5 kg सभी नहीं होती हैं। हाइब्रिड मागुर में एक दो, जैसे आपने 100 मछली डाली तो एक दो मछली ऐसी होती है जो बहुत ही अग्रेसिव होती हैं, वही साइज़ की आ सकती हैं। बाकी अगर आप कॉमर्शियल सेटअप या मछली पालन करना चाहते हैं तो ऐसी कोई भी प्रजाति नहीं है मछली की जो 4.5 महीने में 1.5 kg हो जाए। आप ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें। या आप लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, झूठा प्रचार करने के लिए अब किसी यूट्यूबर भाई ने या फिश फार्मिंग जिसको तजुर्बा नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं, ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है, ऐसा संभव नहीं है और ये होता भी नहीं। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, ये प्रैक्टिकल है, 4 महीने में कोई मछली 1.5 kg नहीं हो सकती। दूसरा क्वेश्चन पूछा है श्री देववर्षा वाजपेयी जी ने, सर नमस्कार, मेरा नाम देववर्षी वाजपेयी है, मेरी एक जगह है जहाँ पर सीमेंट शेड है, उसके चारों तरफ दीवार उठी है, दीवार से रोशनी और हवा आने की पूरी जगह है, वहाँ पर मैं डेयरी फार्मिंग करता था, 50 मीटर आगे पोल्ट्री फार्म है, क्या बंद डेयरी वाली जगह पर बायोफ्लॉक कर सकता हूँ। तो देवर्षी वाजपेयी जी, मैं आपको बता दूँ कि आप ओपन जगह में भी बायोफ्लॉक कर सकते हैं और बंद जगह में भी कर सकते हैं, सेट बना के भी कर सकते हैं। तो बायोफ्लॉक करने के लिए आपका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आप टैंक का निर्माण करते हैं वो उसकी जान होती है बायोफ्लॉक कल्चर की, और एरिएशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिस पर बायोफ्लॉक कल्चर 70% डिपेंड करता है। तो ये कोई इशू नहीं है आप शेड में करते हैं या ओपन में करते हैं, आप कर दोनों जगह सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन का, जो आप टैंक बनाते हैं उस कंस्ट्रक्शन का विशेष ध्यान देना होता है। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें संजीत कुमार जी ने पूछा है कि सर 10,000 लीटर बायोफ्लॉक के टैंक में पंगास के कितने बच्चे डाल सकते हैं। तो संजीत जी, जैसा कि मैंने कई बार इस बात को बताया है और आज फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को हमारे कई यूट्यूबर भाइयों ने बता दिया है कि 10,000 लीटर के टैंक में आप 1 टन का उत्पादन ले सकते हो, ये सरासर गलत है, पूरी बकवास है, झूठ है, ऐसा किसी भी भाई ने नहीं लिया है और ना कोई ले सकता है। आगे चल के कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी हमारा जो 8 महीने का तजुर्बा है बायोफ्लॉक कल्चर में या हमारे फ्रेंड सर्कल में,
तो मैक्सिमम हम 500 केजी का टारगेट लेके चल रहे हैं, 300 से 500 के बीच में आप जाइए। आप पहला कल्चर है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 300 की तरफ जाइए। आपको जब प्रॉपर नॉलेज हो जाए तो आप रिस्क उठाइए, उससे पहले रिस्क उठाएंगे तो ठीक नहीं है। और आपने पूछा है कि कितने बच्चे डाल सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप 300 केजी का प्रोडक्शन लेके चलिए, तो 300 केजी का अगर आप प्रोडक्शन ले के चल रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइज़ का आप मार्केट में बेचना चाहते हो। जैसा कि आपने, आपके यहाँ मार्केटेबल साइज 500 ग्राम है या 1 केजी है या 700 ग्राम है, जिस साइज़ का आप बेचना चाहते हो उसको आपके प्रोडक्शन से गुणा कर दीजिए। जैसे इट मीन्स कि आपको 300 केजी का माल आपको एक 10,000 लीटर के टैंक से लेना है, तो 10,000 जिस साइज़ का आप बेच रहे हो, 400, 500, 900, उससे भाग दे दीजिए, एग्जैक्ट आ जाएगा। प्लस 10% आप मोर्टैलिटी मान के उसमें और एक्स्ट्रा बच्चे डाल सकते हैं। जैसे अगर आपका 400 बच्चे निकल के आता है तो 440 बच्चे डाल दीजिए, इस तरह से कुछ एडिशनल बच्चे डालिए, क्योंकि 100% शुरुआत में सीड में मोर्टैलिटी होती है, वो होगी, तो उसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट करके चलते हैं। और साइज़ में भी वेरिएशन आता है, इसलिए हम 50-100 बच्चे एडिशनल डालते हैं कि जो मोर्टैलिटी होगी, जो साइज़ में वेरिएशन होगी, वो एग्जैक्ट हो जाएगी हमारे टैंक से। आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी। और एक सिकंदर साहनी जी ने पूछा है अगला क्वेश्चन, इसमें सर बायोफ्लॉक सीमेंट टैंक की दीवार कितने इंच की करें तो बेहतर होगा। देखिए सिकंदर जी, आपने इसमें नहीं बताया कि आप टैंक 10,000 लीटर का बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, राउंड बनाएंगे, छोटा बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो सीमेंट टैंक की दीवार 9 इंच होनी ही चाहिए, उससे कम में तो अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप 9 इंच की दीवार कम से कम बनाएं। और अगला क्वेश्चन इसमें है, विश्वजीत पाल जी ने पूछा है सर वाटर प्रिपरेशन कितने दिन करना होगा। वाटर प्रिपरेशन पर विश्वजीत जी, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला है वाटर प्रिपरेशन को लेकर। वाटर प्रिपरेशन का कई सिस्टम है, आप किस सिस्टम को फॉलो करते हैं। वाटर प्रिपरेशन आप सीड डालने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक हफ्ते पहले भी कर सकते हैं, सीड डालने के बाद भी कई लोग वाटर प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसा आपको कम्फर्ट लगे आप वैसे वाटर प्रिपरेशन करिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन विवेक जी ने पूछा है कि एरिएटर ब्लोवर किस कंपनी का अच्छा रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो विवेक जी, एरिएटर ब्लोवर मैं किसी कंपनी का प्रमोट करने के लिए तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन सभी अच्छे होते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बाकी कंपनियाँ सभी अच्छी हैं। आप जो भी आपको सस्ते रेट में और अच्छे रेट में मिल जाए आपके नियरेस्ट, आप उसको ले लीजिए। और आपने इसमें नहीं बताया कि पाउंड कल्चर में आप यूज करना चाहते हैं एरिएटर ब्लोअर, या बायोफ्लॉक कल्चर में भी एरिएटर छोटे यूज करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें दीपक पंडित जी ने पूछा है मैं सीमेंट टैंक में अपना कल्चर शुरू करना चाहता हूं, मेरे पास 15x15 की 2 टैंक हैं, कृपया कुछ सुझाव दीजिए। तो दीपक पंडित जी, बिल्कुल आप सीमेंट टैंक में कल्चर कर सकते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मैं टारपोलिन टैंक को वैसे भी प्रिफर नहीं करता हूँ। अगर आप कमर्शियल सेटअप बना रहे हैं तो सीमेंट टैंक में ही जाएं। और आप लोगों के दिमाग में अगर इसको लेकर संशय है कि ये फ्लॉप बिजनेस है, तो ये तो बिल्कुल निकाल दें, ये बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत अच्छा सर रन कर रहा है और इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है फिश फार्मिंग व्यवसाय का। हाँ, सीमेंट टैंक बनाते वक्त उसके कंस्ट्रक्शन पर विशेष ध्यान दें, और अगर आपका पुराना टैंक है तो आप उसको देख लें कि उसके बॉटम, उसका जो टैंक का जो बॉटम है जहाँ हम ड्रेनेज सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं लगाएंगे, उसको आप प्रॉपर तरीके से बनवाएं। क्योंकि अगर आपका स्क्वायर टैंक है, आपने अगर उसमें स्लज निकलने की प्रॉपर मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम जनरेट होगी दोस्त। तो इसको आप ध्यान में रखकर फिर ही उस कल्चर को आगे करें। और जब भी टैंक बनाएं तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, कम से कम 30,000 लीटर टैंक जरूर बनाएं, उससे कम ना बनाएं। और अगला क्वेश्चन है, इसमें फैजल होंडा जी ने पूछा है सर सीमेंट टैंक में मछली की ज़्यादा मौत होती है, क्या बच्चों का भी कुछ नुकसान होता है, कृपया बताएं। ऐसा नहीं है फैजल होंडा जी, सीमेंट टैंक में हो या टारपोलिन टैंक में हो, अगर आपका वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है आपको तो मोर्टैलिटी होनी ही है। देखिए, ये जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करना होता है शुरुआत में, क्योंकि बच्चे जब हम कहीं से ट्रेवल करके आते हैं तो वो स्ट्रेस में होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, और नए एटमॉस्फेयर पे जाते हैं तो उस वहाँ घुलने मिलने में टाइम लगता है।
एज ए ह्यूमन बींग, जैसे आप महसूस करिए कि हम लोग कहीं, हमारे भी बच्चे पैदा होते हैं तो उनको ऐसा एटमॉस्फेयर में कहीं दूसरी जगह जाते हैं अपने यहाँ से लेकर, तो एक वेरिएशन होता है एटमॉस्फेयर का और स्ट्रेस होता है। ठीक वैसा फिश फार्मिंग कल्चर भी है यहाँ पर भी। अगर आप जब भी सीड नया कहीं से लेके आते हैं अपने टैंक में डालते हैं तो पीएच का वेरिएशन होता है, एटमॉस्फेयर का चेंजिंग होता है, तो वो इम्पैक्ट करता है बच्चों पर। शुरुआत में फंगल बैक्टीरियल डिजीज भी लगती हैं, क्योंकि जब मोस्टली कैटफिश हम लोग कल्चर करते हैं तो वो इंजर्ड हो जाते हैं रास्ते में, वो इंजर्ड होते हैं तो उस समय वहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल का जो है प्रकोप उनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो इसलिए अक्सर आप देखते हैं कि शुरुआत में हमारे टैंक में जो है रोग भी काफ़ी दिखाई देते हैं। तो इन सब से बचने के लिए अच्छा है कि आप एक आपके अपने टैंक में, जैसे आपके 10 टैंक है तो एक ही टैंक में सीड का स्टॉकिंग करें और उसी में प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद धीरे धीरे उसको अपने टैंक में डिस्ट्रीब्यूट करें। ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास नर्सरी टैंक है या मदर टैंक जिसको आप लोग बोलते हैं, कई भाषा है, या छोटा टैंक कह लीजिए जिसमें आप सीड लाने के बाद प्रॉपर सैनिटाइज करके अपना सीड टैंक में डालते हैं तो वो कर लें। नहीं तो आप अपना एक, जैसे आपके 10 टैंक है तो आप एक टैंक में सीड डालें और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करें जब तक कि मछलियाँ एक्टिव ना हो जाएं। जब मछलियाँ एक्टिव हो जाएं तो उसको जो है आप टैंक में शिफ्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है इसमें अमरजोत कात्रे जी ने पूछा है, सर IMC 10,000 लीटर के टैंक में ग्रोथ करेगी कि नहीं? देखिए जहाँ तक हमारा IMC का तजुर्बा है तो IMC पॉन्ड कल्चर की मछली है, बायोफ्लॉक कल्चर में तो अभी तक सफल नहीं है, क्योंकि हम जैसे कुछ जगह जैसे उड़ीसा वगैरह में मैंने महसूस किया है वहाँ पे 300 ग्राम की साइज़ IMC अच्छे रेट में बिक जाती है। तो अगर आपके यहाँ अगर इस तरह की साइज़ आपके यहाँ मार्केट में बिकने में अच्छा रेट मिलता है तो आप IMC को करें। अगर आप 1 kg साइज़ करके IMC बेचना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप बायोफ्लॉक कल्चर को ना अडॉप्ट करें। झूठा आश्वासन देने के लिए तो लोग बोलते हैं कि नहीं बहुत बढ़िया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से IMC ना करें, कैटफिशेज का ही पालन करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। विभूति प्रधान जी जानना चाहते हैं कि सर रूट ब्लोअर और रिंग ब्लोअर में कौन सा अच्छा रहेगा, कृपया कर बताएँ। तो विभूति प्रधान जी दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा प्रेशर का प्रॉब्लम जनरेट होता है रिंग ब्लोअर में, लेकिन ये डिपेंड करता है। अगर आप रिंग ब्लोअर ले रहे हैं तो कम से कम 1.5 HP से नीचे का ना लें, 1.5 HP कम से कम आपका होना चाहिए। और बेस्ट हैं दोनों अपनी जगह। मैं रिंग ब्लोअर को भी यूज कर रहा हूँ और रूट ब्लोअर भी मेरे पॉन्ड कल्चर में चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मुझे तो आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दोनों बेस्ट हैं अपनी जगह, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव हो, आप किसी भी विषय पर अपना हमें सुझाव देना चाहें या आप हमसे नॉलेज लेना चाहें तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उस पर हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और हम आपका उसका हर संडे को, जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है, हम हर संडे को एक आस्क मी सीरीज इस लेके आए हैं जिसमें हम आपके एक हफ्ते के जवाब वीडियो के माध्यम से देते हैं और कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से आप लोगों को बात बताई जाए। और अभी तक जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसान भाई ने, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। इससे होगा क्या कि जो हम लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।